हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, आचार्य फाइन होम्स आपके लिए लेकर आते हैं जयपुर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी जिसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम रहने वाली है। जयपुर के सीकर रोड पर लोकेटेड है। साथ ही में दोस्तों, इस घर के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो इंटीरियर वर्क किया है काफ़ी यूनिक पैटर्न के साथ में किया है, जो कि आपको देखकर बहुत ही पसंद आने वाला है। साथ ही में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज का रहने वाला है। मात्र 106 गज के प्लॉट पर बहुत ही शानदार विला यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, ये जो विला है हमारा पार्क फेसिंग रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं इस विला के एलिवेशन पे, जहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्यूटीफुल एलिवेशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस विला का खूबसूरत एलिवेशन, बहुत ही प्यारे तरीके से इसका एलिवेशन बनाया गया है। एलिवेशन में आप देखेंगे टेक्सचर वर्क किया गया है वॉल्स के ऊपर, साथ ही में कुछ आयरन वर्क आप देख सकते हैं, और आपको इसके अंदर मिल जाता है एक वुडन टच भी। विला के बिल्कुल बाहर आप देखेंगे 50 फीट वाइड रोड आपको मिल जाती है। साथ ही में दोस्तों, हमारा जो विला है वो पार्क फेसिंग रहने वाला है। आप देख सकते हैं विला के बिल्कुल सामने आपको मिल जाता है एक पार्क। ये हो जाता है इसका बम एरिया। आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। 106 गज में बना हुआ है विला 16x60 के डायमेंशन में। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिलर वर्क भी मिल जाता है। साथ ही में आप देखेंगे इसका जो डोर है आयरन का हैवी डोर रहने वाला है ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में। यहाँ से हम एंटर करेंगे तो आपको मिल जाता है स्पेशियस पोर्च एरिया। पोर्च एरिया का साइज आप देख सकते हैं दोस्तों 8x18 के डायमेंशन में आपको मिल जाता है। इसकी फ्लोरिंग आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में। इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपको सिलेंडर के लिए भी प्रोविजन दिया गया है, और आप छोटे छोटे प्लांट्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ग्लास वर्क मिल जाता है, जो विंडो है आपकी किचन से अटैच रहने वाली है। इसी के साथ में सीलिंग पर आप देखिए यहाँ पर वुडन वर्क किया गया है कंसील लैंप के साथ। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं हमारे विला के अंदर। तो 3 स्टेप्स के बाद में आ जाती है हमारे विला की एंट्रेंस। यहाँ पर भी आपको एक स्पेस दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ग्लास वर्क किया है, और सिक्योरिटी के लिए आपको आयरन वर्क भी मिल जाता है। एंटर करते ही आ जाता है वुडन हैवी डोर, काफी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में रहेगा, प्रीमियम लॉक्स के साथ में। तो यहाँ से हम जैसे एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करते ही आपको मिल जाता है स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो कि रहने वाला है 15x17 के डायमेंशन में। काफी डिसेंट स्पेस आपको मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर 7-सीटर सोफा प्लेस किया गया है, बीच में आ जाती है सेंटर टेबल। साथ ही में इसकी जो साइड वॉल है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल वर्क किया है, एक यूनिक डिजाइन रहेगा। पीओपी का वर्क आप देख सकते हैं, फुल फ्रेम वर्क यहाँ पर किया है। इसी के साथ में सीलिंग का डिजाइन आप देख लीजिए, बिल्कुल डिजाइनर सीलिंग आपको मिल जाती है क्रिस्टल लैंप के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे एंटरटेनमेंट के पर्पज से आपको मिल रहा है LED पैनल, जो कि वॉल माउंट रहने वाला है, फुल वुडन रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ शेल्फ के डिजाइन आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जब लिविंग स्पेस में कोई भी गेस्ट आपका बैठता है तो उसके जस्ट सामने यहाँ पर काफी अच्छा लुक क्रिएट किया गया है। आप देखिए इस तरीके से स्पेस को हमने यूटिलाइज किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क किया है वॉलपेपर का, और यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल ग्रास का यूज करके बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर क्रिएट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टेयर्स का स्टाइल है बिल्कुल ए के लेवल का रखा गया है, ताकि फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको काफी अच्छा लिविंग स्पेस प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वॉश बेसन एरिया, आप देखिए लुकिंग मिरर आपको मिल जाता है, नीचे स्टोरेज मिल जाता है, और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक वॉल का जो डिजाइन है यूनिक डिजाइन आपको मिल जाता है वॉलपेपर और वुडन के कॉम्बिनेशन में। इसी के बिल्कुल पास में रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम। चौखट आप इसकी देख सकते हैं वुडन रहने वाली है, और यहाँ से हम एंटर करेंगे तो 8x6 के डायमेंशन में हो जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। काफी अच्छा आपको यहाँ पे साइज मिल रहा है, आप देखिए टाइल वर्क प्रॉपर बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर किया है। ये हो जाती है वॉल माउंटेड सीट, यहाँ पर वॉश बेसन रहेगा, साथ ही में वेट एरिया आपका यहाँ पर हो जाता है, गीजर की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, और एक एक्सेस और आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपके बेडरूम से रहेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन की तरफ। तो ये हो जाती है हमारे किचन की एंट्रेंस, जहां पर आप देखिए आपकी जो किचन है इसको ओपन रखा गया है। यहाँ पर इस तरीके से वुडन पार्टीशन कर दिया है हमने,
तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे देता है। और यहाँ से जो आपकी किचन है, ओपन लुक आपके किचन का हो जाएगा, काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। 7x13 के डायमेंशन में रहेगी आपकी किचन, एल शेप में हो जाता है काउंटर टॉप। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको चिमनी की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे आपको एल शेप में एक विंडो मिल जाती है, जो जहाँ से बिल्कुल फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, और वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना रहेगा। स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं नीचे काफी सारे ड्रॉर्स, ऊपर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर रहेगा आपका वेट एरिया, और जो फिटिंग्स है ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पर की गई है। साथ ही में यहाँ पर आपके फ्रिज के लिए काफी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। तो ये हो जाती है हमारी मॉड्यूलर किचन। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों, ये जो विला है हमारा पार्क फेसिंग रहेगा, इसी के साथ में रोड नंबर 5 सीकर रोड पर ये लोकेटेड है। और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधीकेम बस स्टैंड से मात्र 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है JD अप्रूव्ड रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट बेडरूम। 15x11 के डायमेंशन में रहेगा फर्स्ट बेडरूम। इसका लुक आप देखिए, बहुत ही प्यारा आपको लुक देखने को मिलेगा। बेड के पीछे की वॉल आप देखिए, इस तरीके से कुशन वर्क किया है, वुडन वर्क किया है, बीच बीच में कुशन वर्क आप देख सकते हैं। काफी यूनिक वर्क रहेगा जो कि सीलिंग तक आप देख सकते हैं। इसी के साथ में सीलिंग का डिजाइन देखिए, डिजाइन एंड फॉल सीलिंग आपको मिल रही है कंसील लैम्प के साथ में। इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेड के पास में आपको मिलता है ड्रेसिंग एरिया, जिसका लुक आप देखिए, यहाँ पर इस तरीके से वुडन पार्टीशन किया गया है, तो काफी यूनिक लुक आपको मिल जाता है। यहाँ पर रहेगा वाइड मिरर, काफी अच्छा वाइड मिरर आपको मिल जाता है। यहाँ शेल्फ मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाती है 2 वाटर जो कि सीलिंग तक रहेगी, तो काफी अच्छा स्टोरेज आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हर रूम में मिलने वाली एक गैलरी और बालकनी। तो इस रूम में आप देख सकते हैं UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ में एक आपको गैलरी मिल जाती है। एंटरटेनमेंट के पर्पज से यहाँ पर मिल जाता है LED पैनल, जो कि आप देखिए फुल सीलिंग तक रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हर वॉल को एक अलग डिजाइन हमने दिया है, एक यूनिक लुक क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, काफी अच्छा लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। शेल्फ के डिजाइन यहाँ पर किए गए हैं वॉलपेपर के वर्क के साथ में। साथ ही में इस रूम में आपको एक एक्सेस मिल जाता है, जो कि आपके कॉमन वॉशरूम में हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, जहां हम देखेंगे 2 बड़े साइज के बेडरूम। हर रूम में आपको एक अलग इंटीरियर वर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस विला के प्राइस की। तो दोस्तों, इस विला का प्राइस रहने वाला है 1,25,00,000। इस प्राइस में आपको एज इट इज ये विला मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से रहेगा हमारा स्टेयरकेस, काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्टील की रेलिंग और टफन ग्लास का यूज किया है। साथ ही में इसकी जो साइड वॉल है, इस पर आप देखिए सीलिंग तक आपको यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क मिल जाता है, और इस तरीके से वुडन शेल्फ यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये हो जाता है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर आप देखिए 10x17 के डायमेंशन में काफी स्पेशियस आपको लॉबी एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप आराम से 7-सीटर सोफा लगा के इसे एक अच्छा प्रॉपर लिविंग स्पेस बना सकते हैं। साइड वॉल पर ब्यूटीफुल यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क आपको मिल जाता है। सीलिंग की तरफ आप देखिए, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसी के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, काफी अच्छा वेंटिलेशन बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल शैंडलियर आपको मिल जाता है, और काफी अच्छी यहाँ से नेचुरल सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं 2 बड़े साइज के बेडरूम। तो चलिए हम देख लेते हैं सेकेंड बेडरूम। ये हो जाता है सेकेंड बेडरूम, जो कि रहेगा 15x11 के डायमेंशन में। तो एक बार आप देखिए इस बेडरूम का लुक। इस बेडरूम में भी आपको एक अलग इंटीरियर वर्क देखने को मिलेगा। बेड के पीछे का वर्क आप देखिए, कुशन वर्क यहाँ पर किया है, साथ ही में इस तरीके से वुडन की पैनलिंग की गई है। डिजाइन आप देख सकते हैं काफी यूनिक रहेगा। साथ ही में फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक अलग फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। और ये हो जाता है हमारा ड्रेसिंग स्पेस। यहाँ पर आप देखेंगे CNC कटिंग जाली का वर्क किया है, इस तरीके से एक पार्टीशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर रहेगा आपका लुकिंग मिरर, और 2 बड़े साइज के वार्डरोब्स आपको मिल जाती है, जो कि फुल सीलिंग तक रहेगी। वेंटिलेशन के पर्पज से यहाँ पर आपको मिल जाती है गैलरी, UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ में, और साथ ही में वायर मैश डोर भी आपको इसमें मिल जाता है। सामने की जो वॉल है, यहाँ पर आपको मिल जाता है LED पैनल,
वुडन एलईडी पैनल रहेगा इस तरीके से, चारकोल शीट वर्क भी किया है, वॉल माउंट रहेगा, नीचे आपको स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही इस रूम में आपको मिल रहा है कटेज वॉशरूम। 8x6 के डायमेंशन में रहेगा, इसका वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाइल वर्क काफी प्यारा किया गया है, वॉल्स पर भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा टाइल वर्क मिल जाता है। ये हो जाता है आपका वॉश बेसन एरिया, यहाँ पर रहेगी आपकी सीट, यहाँ पर हो जाता है आपका वेट एरिया, और गीजर भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम। अभी चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम का लुक आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारा लुक इसका रहने वाला है। 10x13 के डायमेंशन में रहेगा, एक बार फ्लोरिंग आप इसकी देख लीजिए, वुडन फ्लोरिंग इसकी रहने वाली है। साथ ही में आप देखिए इसके बैक वॉल का जो वर्क, यहाँ पर भी आप देखेंगे एक अलग वर्क आपको देखने को मिलेगा। बेड के पीछे कुशन वर्क के साथ में आप देखिए वुडन वर्क जो किया है, बहुत ही प्यारा यहाँ पर किया है, इस तरीके से सीएनसी कटिंग जाली का भी इसमें यूज किया है। साथ ही में दोनों साइड में आपको मिल जाती है टेबल, वॉलपेपर का वर्क भी इसमें मिल जाता है। सीलिंग आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में रहेगी, एक यूनिक वर्क आपको मिल जाता है। इसी के साथ में एंटरटेनमेंट के पर्पज से यहाँ पर रहेगा एलईडी पैनल, इसका डिजाइन आप देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है। वॉल माउंट रहने वाला है, नीचे आपको काफी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है, डिजाइन आप देख सकते हैं फुल सीलिंग तक रहेगा। यहाँ पर रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया और अटैच वॉशरूम। यहाँ पर आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, 2 बड़े साइज के वार्डरोब्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर रहेगा लुकिंग मिरर, शेल्फ आपको मिल जाते हैं, और इसी के पास में रहेगा अटैच वॉशरूम, सेपरेट रहने वाला है। यहाँ पर आपको वुडन डोर मिल जाता है। इसी के साथ में 5x9 के डायमेंशन में रहेगा, टाइल वर्क आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पे या वॉल्स पे, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर किया है। ये रहेगा आपका वॉश बेसन एरिया, यहाँ पर हो जाती है आपकी सीट, और वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा, गीजर की फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। साथ ही में वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो वेंटिलेशन के पर्पज से इस रूम में आपको मिल जाती है एक बहुत ही प्यारी सी बालकनी। तो चलिए हम बालकनी देख लेते हैं। तो स्लाइडिंग डोर के साथ में हो जाती है हमारी बालकनी। तो आप देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा लुक आपको देखने को मिल रहा होगा आपकी बालकनी से, आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया गया है, साथ ही में यहाँ पे कुछ आयरन वर्क किया है जो कि आपके एलिवेशन को और भी ब्यूटीफुल बना देता है। टेक्सचर वर्क किया है वॉल्स पे, और यहाँ पर भी आप देखेंगे आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया है इस तरीके से। तो काफी खूबसूरत वर्क आपकी बालकनी का रहेगा, यहाँ से व्यू भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा, काफी रेजिडेंशियल लोकेशन रहेगी, और कनेक्टिविटी भी बहुत प्यारी है। जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत प्यारा रहेगा दोस्तों, JD अप्रूव्ड रहेगा और 106 गज में बना हुआ है। साथ ही में यहाँ पर 4 विलाज बने हुए हैं जिसमें से अभी 2 विलाज अवेलेबल है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस घर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।